Bangkok XD and it's getting ready. He's living here in Kolkata. Good afternoon, guys. Well, good time. After it's 12:58. So right now I'm just here in front of Women's College. क्रॉबोर्ड यहाँ पर शॉप लेकर इंट्रो बना रहा हूँ. अभी हम जाएंगे टीवी शोरूम पे. क्रॉबोर्ड आप लोगों को एंटर एक्स एडिशन दिखाना है. तो लेट्स सी इफ इट इज देयर इन शोरूम. देन ऑब्वियसली आल्सो यू आल्सो करेंगे मेरी ऑल इन मोड व्लॉग. देन इस व्लॉग को एंड तक देखना. की जे वाओ ट्रैफिक का भाई साहब. इतने गर्मी में इतना ट्रैफिक. मैंने गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पर आके. थोड़ा बहुत इंट्रो तो अच्छा है बट क्या ही बताऊँ. इतना ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ दिस वुमेन्स कॉलेज. सो या इतने धूप में ब्लॉग करते हुए. ऑलराइट गाइस, राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टीवीएस शोरूम. आप लोगों को तो बता ही दिया इंट्रो में. सो या अभी थोड़ा बहुत एंटॉर्क एक्सटी देखने के लिए जा रहे हैं. आई होप कि वहाँ पर होगा स्टॉक में. अरे भाई इंडिकेटर है तो इंडिकेटर देना. ओ बाबा रे इंडिकेटर भी नहीं है. दोनों खा गए क्या इंडिकेटर चीज़ें. वाह बाइक था. मैंने सोचा कि इंडिकेटर है फिर भी नहीं देता. बट व्हेन आई जस्ट लुक इन हिज बाइक माय लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर पूरा ख़त्म. खा लिया होगा शायद बर्ता बना के. ओफ इतना गंदगी इतना अच्छा स्मेल. ओफ खाए से बड़ा. वाहन का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है. इसका किकर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. क्रैंकिंग साउंड एंड आफ्टर ऑल मूवी भी चेंज करना पड़ेगा. सो ऐसे कुछ है नॉर्मल सा प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेंगे इन कमिंग मंथ. भाई चिपक चिपक के चलना पड़ रहा है भाई साहब. हो इतने धूप में व्लॉग बनाते हुए आप लोगों का लिंक्डइन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये कैसा हेलमेट है एक जोर. फास्ट कॉपी है क्या. शायद फास्ट कॉपी होगा. एज यू कैन सी इन रन इन फ्रंट दैट वन. कोई नहीं है क्या आज टीवीएस शोरूम पे. देखना पड़ेगा. सीम्स टू बी एम्प्टी बट इट विल नॉट बी एम्प्टी. बहुत लोग होंगे. ये देखो जो जो सर्विस कराने के लिए आए हैं ना वो सब यहाँ पर है. सो लेट्स टेक स्टॉप ओवर हियर. इट्स अ शोरूम एंड आफ्टर ऑल एज यू कैन सी माय बैग. दिस इज द एंटॉर्क एक्सटी एंड इट्स गेटिंग रेडी फॉर मी एक्चुअली. सिंस स्पेशल थैंक्स टू द शोरूम बिकॉज दे हैव मैनेज ऑल दिस थिंग्स फॉर मी टू शूट दिस व्लॉग. सो लेट्स नॉट टॉक टू मच. लेट्स गेट सम काइंड ऑफ सिनेमैटिक शॉट. Have a look of this front profile. As you can see the color right over here, it's something like a blue matte or something like that. It's some kind of silvery type. And yeah, thoda bahut color mein changes hua hai but yellow is same as the race edition and this is not the best XT. So talking about the speedometer of this vehicle is like this guys. Dekh sakte honge aap log. So if you guys are fan of this speedometer you guys can buy it. But for me actually personally I'll just tell that I didn't like this speedometer because it's huge enough. It has got two section. So have a look. This is a new feature that Entor has gave the new speedometer. As you can see yahan par high rider likha hua hai and this is the fuel gauge and fuel sport mode dekh sakte honge. Okay so this is the new feature that Entor XC has gave. So after all yeah bhaiya ye kitna padta hai abhi on road. 119,000 ki je wow. They have got a surprise for me. So abhi mujhe test ride karne ko mil gaya Ranger 125. So let's see iske experience kaisa hota hai. 125 cc segment mein ye naya bike hai TVS ki aur se. So let's try and see. Okay so stay tuned. First impression of riding. Aha chalo chalte hain bhai. Wow thanks to TVS for this beautiful machine. थोड़ा बहुत देख कर चलाना पड़ेगा क्योंकि नया मशीन है ना. नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई. अच्छी तो अभी के लिए तो ट्रैफिक फिल्टर करना पड़ रहा है भाई. खाली रोड दे दे रहे बाबा. अभी थोड़ा भाग कर देखते
चीज है, वाह। यहाँ पर दो मोड मिल जाते हैं, इको मोड एंड पावर मोड, जैसे कि एंटॉर्क में मिलता है हमारे स्कूटी में। सो बहुत मजा आया इसको राइड करके, वेरी निम्बल टू राइड मैन, डैम इतना हल्का है ना ये बाइक, 125 सीसी में ऐसा पावर, भाई साहब खींचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा बहुत नया बाइक है एंड आफ्टर ऑल ये लाइक ट्रैफिक में हैंडल करना अच्छा है, बट इसमें साइड फुल क्लच होगा इसलिए मेरे हाथ में वेट नहीं रहा। थोड़ा बहुत तो रेजर 125 को चला लिया एंड इट वाज लाइक परफॉर्मेंस माफिक बाइक 125 सीसी सेगमेंट होने के बाद भी। दिस वाज द राइट रिव्यू ऑफ रेजर 125। सो या आप लोग ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया है तो लाइक कर देना एंड यू गाइज कैन विजिट श्रीमान TVS, वहाँ पर TVS का जो भी बाइक है आप लोगों को मिल जाएगा। सो लेट्स नॉट टॉक टू मच, अभी थोड़ा बहुत राइड कंटिन्यू करते हैं और फिर निकलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द राइड, आते हैं। ठीक है सर, TVS के मेंबर्स इतना कुछ अरेंज करके देगा मेरे लिए वो भी। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि घर चला जाऊं, मेरा शूट खत्म हो चुका है। सो उसने बोला अरे इधर 125 टेस्ट कर लो। सो डायरेक्टली हम चले राइट एंड फिर अभी घर के लिए बांट चुके हैं हम। एंड आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, जहाँ से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं। एंड मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड इन दोस वीडियोस एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए एंड इन फ्यूचर होप फॉर द बेस्ट। कीजिए वाह ना हॉर्न भाई साहब, वाहन का हॉर्न मानना पड़ेगा, इसको सर्विसिंग ले जाना ही होगा, नहीं तो खत्म ताता भाई भाई हो सकता है। तो इतने धूप में इतना बात नहीं करते, गला सूख चुका है। डायरेक्टली मीट यू ऑल इन इवनिंग और एल्स कहीं जगह पे जाकर आप लोग से बात करता हूँ, बट नॉट नाउ क्योंकि गला सूख चुका है मॉर्निंग से लेकर, बिगिनिंग ऑफ द व्लॉग से लेकर फिर हो रहा हूँ। सो इसीलिए थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया जाए। कीजिए वाह, एक्रापोविक सस्ता वाला एक्रापोविक लगाते हो BS4 में, हमारे वाहन तुम्हारे NS200 के एक्रापोविक से बहुत अच्छा है, बोलू तो। इट्स वर्ड गाइस टेलिंग लाइक दिस बिकॉज छपरी जैसे साउंड और हमारे वाहन का तो उफ, कीजिए वाह ना। सो ओके नाउ लेट्स मूव होम टिल देन डायरेक्टली मीट ऑल इन इवनिंग, पीस। ओके गाइस, आप लोगों ने थोड़ा बहुत एंटॉर्क XT एडिशन का रिव्यू देख लिया होगा। आई हैव रोड द रेजर 125 एंड आई डोंट नो मच अबाउट दैट बाइक, सो जो भी हो सकता था मैंने आप लोग को वीडियो के थ्रू बता दिया। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज फॉर दिस ब्लॉग, थैंक यू फॉर नेक्स्ट ब्लॉग एंड ऑफ लिंकिंग हियर, बाय बाय, टेक केयर, पीस।